तुम सुनो यशोदा माँ तुम कब तक विपदा सहे ब्रज की चेरी हम कब तक विपदा सहे ब्रज की चेरी लाल हरी जनरिया धारी मेरी मटकी लीनी कोस तेरो बनवारी मेरी मटकी लीनी कोस तेरो बनवारी मारग देखो पावे सब बाल बाल बहकावे ओ मारग देखो पावे सब बाल बाल बहकावे ओ नित नहीं धूम मचावे ओ हमको नहीं सुहावे ओ नित नहीं धूम मचावे ओ हमको नहीं सुहावे यशोदा के आगे गुजरी रोन लगी यशोदा के आगे गुजरी रोने लगी जार जाए यशोदा के आगे गुजरी रोने लगी जार जाए मारी है चुनरिया मेरी कर दीनी तार 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 जाए आज बिच मैया तेरे घर नहीं आऊंगी आज बिच मैया तेरे घर नहीं आऊंगी सब कंस को सुनाऊंगी जाएंगे हवाला सब कंस को सुनाऊंगी ओ जाएंगे हवाला सब कंस को सुनाऊंगी जाएंगे हवाला सब कंस को सुनाऊंगी रस से बंद कर मार पिटवाऊंगी रस से बंद कर मार पिटवाऊंगी रस से बंद कर मार पिटवाऊंगी रस से बंद कर मार मेरी मातमा को घर में ही समझाना गुजरी देने लगी ताला मेरी समझाई गुजरी देने लगी ताला तुम सुनो ये सोना मात गुजरी देने लगी ताला तुम सुनो ये सोना मात गुजरी देने लगी ताला प्रकार प्रभावती जान यशोदा जी ने शिकायत करन लागी कि यशोदा जी बाहर आओ यशोदा जी आई और क्यों काई बोले देखो यशोदा जी थानो लालो मारी काई हालत करी है देखो हमारी चुंदरी फाड़ दी मारो नवलो को हार तोड़ दियो और इन प्रकार एड़ी करतूत करी है तो मैं वो सब सहन करने वाली नहीं हूँ मैं तो जाऊंगी मथुरा राजा कंस कने और बटे जान थाने लाला शिकायत करन थाने लाला री पिटवाई कराऊंगी पिटवाई यशोदा जी कहो ए प्रभावती चुप रहे क्योंकि थारे जड़ी गोपियां ने मार करने दिन में दस समझी एन यूं यूं शिकायत करे थारो लाली यूं कर दियो थारो लाली यूं कर दियो अरे मारो लालो बेचारा छोटो सो वो एक हाथ तो हगली गोपियां घर के गिर भूख जावे एक आवे दुजुड़ी आ जावे दुजुड़ा आवे दुजुड़ी आ जावे मारो लालो बेचारो इतने बदनाशी करे ही नहीं और थे मारा सब लाला झूठ मूठ शिकायत करो और मैं यूं मानने वाली नहीं हूं थे मारे लाला ने रंगे हाथ पकड़ने बताओ तो मैं जानो कि मारो लालो माखन चोरी करी है कहो यूं नहीं मानना बोले यूं लेकर मान लू प्रमाण दो प्रूफ दो जन कहो ठीक यशोदा जी यदि मैं आप लाला ने रंगे हाथ पकड़न नहीं बता दियो तो मारो नाम भी प्रभावती नहीं अबे प्रभावती गई अड़ने थोड़ी देर सो शाम रे वक्त भगवान श्री कृष्ण
बांसुरी बजाई, मुरली बजाई, और मुरली बजान सारे मित्रों ने, सभी ग्वाल बालों ने बुला लिया आपरे कने। भगवान शाम रे वक्त बांसुरी बजाई, शाम का वक्त रसाजन जग गेर सब गेरी, सब लीने ग्वाल बुलाए बांसुरी तेरी, सब लीने ग्वाल बुलाए बांसुरी। यूं कहन लगे नंदलाल बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी, लगे नंदलाल बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। कोई छल के करो रे उपाय करो मत देरी, कोई छल के करो रे उपाय करो मत देरी। एक ग्वाल ने जाय पुकारी, अब हो रही है पिटन की क्यारी, एक ग्वाल ने जाय पुकारी, अब होई है पिठन की प्यारी। मैया मारे की मारे संग आरती होगी थारी, मैया मारे की मारे संग आरती होगी। बोल नंदलाल गाल ऐसो में बनाऊंगो, बोल नंदलाल गाल ऐसो में बनाऊंगो, बोल नंदलाल गाल ऐसो में बनाऊंगो, बोल नंदलाल गाल ऐसो में बनाऊंगो। मेरे तो कहे चलो सबको बचाऊंगो, मेरे तो कहे मैं चलो सबको बचाऊंगो, मेरे तो कहे चलो सबको बचाऊंगो, मेरे तो कहे मैं चलो सबको बचाऊंगो। अपने बिठा के नंदो देख लाठी पे बैठा के मको लेके चालो सब भाई, बैठा के मको लेके चालो सब भाई। भैया आगे ऐसो कहियो गुजरी ने मारियो मारियो, भैया आगे ऐसो कहियो गुजरी ने मारियो मारियो, भैया आगे ऐसो कहियो गुजरी ने मारियो मारियो, भैया आगे ऐसो कहियो गुजरी ने मारियो मारियो। लोकी के नाथ ने विचित्र रूप धारियो है, लोकी के नाथ ने विचित्र रूप धारियो है, लोकी के बिठा के नंद भवन में उतारियो है, लाठी पे बिठा के नंद भवन में उतारियो है। दौड़ी दौड़ी माता आई लाला ने कुण मारियो है, लाला ने कुण मारियो है, बोली सी सूरत काई कछु न बतावे है, बोली सी सूरत काई कछु न बतावे है, खड़ खड़ रोवे काई कछु न बतावे है, खड़ खड़ रोवे तो कछु न बतावे है। कौन तो बताऊ मारो ही उभर आवे है, कौन तो बताऊ मारो ही उभर आवे है। गुजरी ने अच्छी मारी तोड़ दी नी नस, अच्छी मारी तोड़ दी नी नस, मारे तो दर्द के कर रही तस तस, मारे तो दर्द रही कर रही तस तस। आज बीच मैया तेरी गयो मैं नहीं जाऊंगो, आज बीच मैया तेरी गयो मैं नहीं जाऊंगो, आज बीच मैया तेरी गयो मैं नहीं जाऊंगो, आज बीच मैया तेरी गयो मैं नहीं जाऊंगो। थोड़ी है बांसुरी अब काहे को बजाऊंगो, थोड़ी है बांसुरी अब काहे को बजाऊंगो, ऐसी मार मारेगी तो दुध में मर जाऊंगो, ऐसी मार मारेगी तो दुध में मर जाऊंगो। मेरी मातरम घर में ही सतदान गुजरी सुनरी यशोदा मात गुजरी देन लगी ताना, तुम सुना तो मात गुजरी देन लगी ताना, देन लगी ताना, और देन लगी ताना। इन प्रकार शामरे वक्त भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा प्राण सारे ग्वाल बाल मित्रों ने बुला लिया आपरे कने, और कहो कि मित्रों आज एक गुजरी जान गोपी जान मैया यशोदा ने अपनी शिकायत कर दी है, इन वास्ते मारी पूजा वेला जो को वेला हाथा था आरती थानी भी वेला, इन वास्ते मार सु बचनो है तो मैं कहूँ जड़ो करो। बोले काई करा, भगवान की एक लकड़ी लेना हो, भगवान रेत में लुट गया, बांसुरी तोड़ दी, पीतंबर फाड़ दियो, रोवण जड़ो मुंडो कर लियो, और कहो कि देखो
अबे थे लकड़ी माते बैठान लेन जाओ मने यशोदा जी रे कने। और बैठे जान थे मैया ने कह दीजो कि मैया मैया आज थाने लाला ने एक गोपी काई मारिया है, काई मारिया है, मैं तो इन हालत में लेन आया हाँ। बस यूँ शिकायत कर दीजो, यूँ कह दीजो। बोले ठीक। अब भगवान ने लेन गया मैया यशोदा कने। भगवान तो मैया रे सामने जाओ थे पड़ गया और ग्वाल बाल के अरे मैया मैया आज थाने लाला ने एक गोपी काई मारिया है, काई मारिया है, मैं तो इन हालत में लेन आया। और भगवान ने जो हाथ पकड़ी हो कि भगवान का अरे मैया धीरे इतनी जोर से मारी है कि शरीर एक एक नस नस ढीली होगी। मैया भगवान रे शरीर रे झाड़ी और भगवान ने गोदी में बैठाने कहो कि अबे कोई भी गोपियां थारी झूठ मूठ शिकायत करे लानी तो मैं सब संभाल लूंगा। जन भगवान क्यों बस हमें ठीक। ग्वाल बाल भी सब नचन लाग गया। बोला अपनी अक्कल काम आई जो सबरी मार बजगी। अड़ने सुबह हुई और सुबह पाचा भगवान मित्रों से मिलिया। जने कहो कि मित्रों आज आप किने घरे चाला माखन चोरी करने वास्ते। ग्वाल बाल कहो अरे कन्हैया जो चिड़े नहीं उन्हें चिड़ावना बहुत आनंद आवे अप्रभावती गणी चिड़े इन्हें घरे चालो पाचा। लेकिन आज प्रभावती सचेत हो गई। प्रभावती मन में सोचियो कि एक दिन मारे घरे कन्हैयो माखन चोरी करने वास्ते आयो तो दूजे दिन में पाछो आवेला माखन बड़ी लागी आवेला। लेकिन प्रभावती कहीं थोड़ी तेजी। प्रभावती कहीं करियो आप रे घर रे दरवाजा रो बारलो कुंदो अंदर से लगायो। कुंटो अंदर से लगायो। दिखना मेड़ो लागे कि घरे कोई है ही कोनी पर माए बंदी चुपरान बैठी। अड़ने भगवान आया मित्र मंडली के साथ हुयो यूं कि भगवान की जो मित्र मंडली ही उन मित्र मंडली में प्रभावती रो देवरी हाथे। अड़ने भगवान कुंदो खोलियो दरवाजो खोलियो अंदर गया। जान देखन लगा अरे माखन वो चिंगो कटे इतना वो देवर आयो और क्यों अरे कन्हैया और यो चिंगो ही में माखन। प्रभावती मने मने क्यों बांध रहे कटे रहा तू अकलन बतावे कटे कहीं है। भगवान आगे गया और चार ग्वाल बालों ने खड़ा करिया। बहने माते दो खड़ा हो गया सब सो पर भगवान खड़ा हो गया। माखन ने मटकी पकड़ ली और ग्वाल बाल के वो काई कन्हैया तू माखन की मटकी पकड़ ली है। जुई कहो कि भगवान ने कहो हाँ मित्रों मैं माखन के छिंका ने बहुत कसम पकड़ लियो हूँ। जुई यूँ कहो कि इताक में प्रभावती दौड़ती हुई आई और कहो ठहरो सभी को देखती हूँ। जुई यूँ कहो कि हगलई ग्वाल बाल तो दौड़िया पला हटे तो प्रभावती हगलई तो दौड़ गया पर भगवान बटे छिंकर लटको डरेगा। प्रभावती के वाह 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 कटे भगवान ने शयन रा दर्शन होवे कटे भगवान ने भोग रा दर्शन होवे कटे भगवान ने मंगला रा दर्शन होवे पर अटे देखो विचित्र दर्शन हो रही है भगवान सिंगर लटकी उड़ा है। प्रभावती के रुक अब्बा थारी मैया यशोदा ने बुलाओ और कहूँ देखो थानो लालो यू माखन चोरी करे। जो जमन लगी के भगवान की हो प्रभावती रुक 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 तू मारे घरे जाई मारी मैया ने बुलान लाई जितनी मोटी लटकी उड़ो रहे हो तो मारा हाथ दुखल लाग जे नहीं इन वास्ते प्रभावती यूं कर एक काम और कर मैया ने अट मत बुला बल्कि मनीष पकड़ मैया ने लेन जा क्योंकि मैया तो नहीं तरी मान ले क्योंकि मारा हाथ तो बरी उड़ा है सबूत तो थारे कने है इन वास्ते मैया तो नहीं तरी मान ले इन वास्ते मैया ने मत बुला मन पकड़ लेन जा मैया कने। प्रभावती क्यों हाँ हाँ आप ही बात ठीक है थने लेन जाऊँ। जो ही प्रभावती उतर लागी भगवान ने कि भगवान के मने होले उतार जे हो मारे कटे लाग नहीं जावे। प्रभावती क्यों काले मारे लगी जको भगवान के थारे हासुरी सौगंध है मने धीर उतार जे यूं कह प्राण भगवान ने उतारिया। और अड़ने भगवान तो उतरते हाथ मुंडा सब साफ करने लाग गया। प्रभावती हाथ पकड़ ले बोले खबरदार है हाथ मुंह को साफ नहीं कर सकते जैसे हो वैसे ही चलो। भगवान रो हाथ पकड़ लियो कस प्राण और ले जा रही है और बड़े हुनावती जावे के सुनो 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 गोकुल वासियों सुनो
रोज रोज मुझे यशोदा जी कहती है कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के बताओ तो मैं जानू। आज यशोदा जी लालो रंगे हाथ पकड़े जो है, अब यशोदा जी लाला ने यशोदा जी हाथों सु मैं पिटवाई करूंगी पिटवाई। भगवान मन में सोचो रहा मैं कहीं कर आज तो पकड़ी जिया, ग्वाल बाल में सब डर गया रे आज अपन सरदार पकड़ी गो, हमें सब ग्वाल बाल बेचारा डरी ओड़ा। अड ने भगवान कहीं करियो जो मित्र मंडली में जो प्रभाव दे रहे जो देवर होनी उन्हें इशारा सुहा करने बुलायो, वो हमें आए क्यों ना भगवान लल्ला लल्ला चले। अड ने भगवान प्रभावती ने कहो देख प्रभावती देख तुम्हारो हाथ ही तू कहीं कसने पकड़ी हो, देख मारो हाथ लाल हो गयो। प्रभावती क्या रुक तो जा पांच यशोदा जी कने थारा गाल लाल नहीं कराए दे तुम्हारो नाम प्रभावती नहीं। भगवान कह रहे गाल लाल कराए दीजे थारी मंदिर काट लीजे पर बार तो देख कि तो कोई हाथ कसन पकड़ी हो है। थोड़ी देर बाद तुम्हारा दूजो हाथ पकड़ ले तो थारे का ही फर्क पड़े। प्रभावती के लाई रे कर दूख तो ला थारा दूजो हाथ ना, तो भगवान खुद रो दूजो हाथ नहीं दियो बल्कि प्रभावती देव रो हाथ दे दियो। और भगवान होले खिसक गया, भगवान को तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। भगवान होले एक देवर रो हाथ दे दियो और भगवान धीरे खिसक गया। प्रभावती ने तो ठाई नहीं पड़ी हो, प्रभावती मन में सोचे वो कन्हैया यार दुजो हाथे। और अड ने प्रभावती बड़ा सुनावती जावे सुनो 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 गोकुल वासियों सुनो, रोज रोज मुझे यशोदा जी कहती है कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के बताओ तो मैं जानू। आज यशोदा जी लालो रंगे हाथ पकड़ी जियो है, अबे मैं यशोदा जी लाला री यशोदा जी हाथों से पिटवाई कराऊंगी पिटवाई, है ना ते बड़े कुदरत देवर है बड़ा उनावती जावे। अड ने भगवान तो प्रभावती रे पूगने से पहले ही हाथ मुंडा सब साफ करण पहुंच गया पहला। और मैया यशोदा री गोद में बैठने की मेरी प्यारी प्यारी मैया मेरी दुलरी दुलरी मैया। यशोदा जी क्यों रे आज दुलरी दुलरी मैया घनी याद आई कहीं बात है। भगवान को अरे मैया थाने ठा है, अरे ब्रजरी जितने भी गोपिया है सब थारो ईर्ष्या करे। बोले क्यों? बोले थारे जोड़े लालो की नहीं है कोनी नी इन वास्ते सब मन देखने बड़े इन वास्ते सब मारी झूठ मूठ शिकायत करे। कहो अच्छा सब झूठ मूठ है क्या? बोले 100% सब झूठ मूठ शिकायत है तू तो बोली बाली है जो को सब मान ले। प्रभावती प्रभा भैया यशोदा कहो कि अरे यूं मा आ बात है कहीं सब गोपियां मारे लाला ने झूठ मूठ शिकायत करे तो हमें कोई भी गोपी आवे लान थारी शिकायत कर लानी तो मैं सब संभाल लाऊं। जन भगवान के बस हमें आऊं दो प्रभावती ने मैया तो सब संभाल ली। और भगवान लारे खेलन लग गया। अट ने थोड़ी देर से प्रभावती आगा करती करती आएगी और कह रहे यशोदा जी बाहर आओ देखो मैं थाने लाला ने रंगे हाथ पकड़ने नहीं हूँ बाहर आओ। यशोदा जी आई तो भगवान भी धीरे धीरे चले गया लारे लारे। अड ने मैया यशोदा बारे जान देखियो तो देखियो कि उन हाथ तो कोई दूजो लल्लो है। यशोदा जी क्यों अरे प्रभावती अटे कोई नंद बाबा नहीं बैठा है, अटे कोई बड़ा बुजुर्ग लोग भी नहीं बैठा है, तू ही तो मोटो घूंघटो काढ़ियो है, कम से कम आप रो घूंघटो तो ऊंचो कर। जो ही प्रभावती आप रो घूंघटो ऊंचो करियो तो भगवान हाँ में आया और कहो प्रभावती जय श्री कृष्ण। प्रभावती क्यों है वो कन्हैयो बटकट है वो बट है तो वो चमारे कने गुण है जो खुदरे करने दिया तो खुदरो दे पर धक्का दिया रे मुँह है तू अटकट आयो रे वो क्यों रे बाबे तू ही तो इतनी देर मन हाथ लेन फिरती ही। हमें प्रभावती तो बहुत शर्माई। भगवान जी यशोदा जी कहो कि देख प्रभावती तुम्हारे घरे आ दूध वूध पी माखण माखण खा पर तुम्हारे लाला लाला ने हाथ धोने क्यों पड़ी है। लेकिन प्रभावती तो बहुत शर्माई प्रभावती ने काटा तो खून नहीं आवे प्रभावती दौड़ी बटो। भगवान कहो मैया मैं खिलने वास्ते जाऊँ कहो जाओ लेकिन भोजन के वक्त वापस आ जाना। भगवान गया लेकिन भगवान ने कोई खेलना थोड़ा ही है भगवान ने तो लीला करनी है। और प्रभावती जिन रास्ता से जा रही भगवान भी उन्हें सामने से आया और भगवान क्यों क्यों प्रभावती कह रही थी ना पिटवाई कराऊंगी करा ली पिटवाई। जने प्रभावती कहो अरे
कन्हैया एक अनेक दिन रुक तो जा, थने रंगे हाथ पकड़न जरूर यशोदा जी रात से तारी पिटवाई कराऊंगी। भगवान की प्रभावती हमें ऐडी चालाकी कदी मत कर दी जाए, क्योंकि हम क्या ऐडी चालाकी करी नहीं तो थारे हाथ में केवल थारे देवर रो याद दियो, लेकिन यदि हम के ऐडी चालाकी कर दी तो थारे हाथ में थारे पति देव रात दी दूलो ध्यान राख जे। ऐडी ऐडी भगवान बाल लीला करे, नटकट लीला करे। और सज्जनों, जो भगवान आज बाल लीला नटकट लीला करे नी, माखन चोरी की लीला, इनो रहस्य कहीं है। भगवान जो माखन खावता और मटकी फोड़ता, आकाई मटकी फोड़ता, क्यों माखन खावता? भगवान को सामान्य मटकियां थोड़ी फोड़ता, भगवान को सामान्य माखन थोड़ी खावता, बल्कि धरिए जो सर पर पाप की मटकी, फूटे तो गर फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। अपने तो ईश्वर सो काम है, जगत रूठे तो भले ही रूठ जावे, ऐडो भाव गोपियर मन में हो। जने भगवान बेणे घरे जाता और माखन चोरी करता, भगवान का माखन थोड़ी चुरा होता, भगवान तो बेणो मन चुरा लेता। माखन तो केवल माध्यम हो, माखन रे माध्यम सो भगवान बेणो चित्त चुरा लेता और भगवान बेणो मन चोर लेता। इन वास्ते भगवान का नाम है चित्त चोर, यानी भगवान प्रेम रा भूखा, भाव रा भूखा। भगवान जितना भी भक्ता रे घरे गया है, वे सभी भक्ता रो भाव हो, प्रेम हो। जने भगवान ब्याणे घरे गया, सुदामा के तांदुलों में कोई रासायनिक मिलावट नहीं, प्रेम था। तांदुल क्या करे चावल ने, सुदामा के तांदुलों में कोई रासायनिक मिलावट नहीं, प्रेम था। कुब्जा मालिन में कोई शक्ल नहीं, प्रेम था। धना भगत की पूजा में अक्ल नहीं, प्रेम था। नरसी मीरा के कीर्तन में नकल नहीं, प्रेम था। और कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या खाया था श्याम ने वन में बैठकर द्रौपदी के थाल में, लाया था सुदामा चावल फटे रुमाल में, और क्या देख करके फंस गए थे नंदलाल भी उसके जाल में, और खाए थे जिसके झूठे बेर उस शबरी की क्या औकात थी, खाए थे जिसके झूठे बेर उस शबरी की क्या औकात थी, चमन समझ दरअसल ये सब प्रेम ही की तो बात थी, ये सब प्रेम ही की तो बात थी। आने सब लोगों भाव हो, प्रेम हो। इन वास्ते भगवान आने घरे गया और आने भाव स्वीकार करियो। यदि आप भी अड़े मन में कई किलो के बाब जी, मैं तो भगवान उन टाइम आया और बण भाव स्वीकार कर हमें घटावे, लेकिन अबे भी यदि आप बण भक्ता जड़ो भाव लिया होला तो भगवान आज भी आपने घरे आना आप भाव स्वीकार कर सके, लेकिन वो भाव जगाने की जरूरत है। और भगवान भावरा भूखा है, प्रेमरा भूखा है। और आज भगवान गोपियों ने साथ ऐडी लीला करी और ऐडी माखन चोरी लीला भगवान करता। तो आज के प्रसंग में आप सब लोग भगवान ने कुछ बाल लीलाओं का प्रसंग सुनियो, और काले के प्रसंग में कुछ और भगवान ने बाल लीलाओं रो, नटकट लीलाओं रो, साथ साथ ऐश्वर्य लीलाओं रो, भगवान किन प्रकार ब्रजवासियों ने आप स्वरूप रो दर्शन करायो, और किन प्रकार भगवान बाद में कंस रो उद्धार करेला, और सारो रो सारो प्रसंग काले प्रसंग में सुनाला। आओ जय जयकार, और आरती से पहले अपनों को स्थान नहीं छोड़ेला। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हार 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 महादेव। भगवान की नटखट लीला, माखन चोरी भगवान करता, कोई सामान्य माखन नहीं है, केवल कथा है केवल समझाने के लिए, परंतु वेदव्यास जी की समाधि भाषा है।
ब्रह्मानंद जी महाराज एक बार भजन में कहते हैं, धरी जो सर पर पाप की मटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। कौन सी मटकी फोड़ते हैं? पाप की मटकी फोड़ते हैं भगवान, और भक्ति रूपी माखन खाते हैं। सामान्य माखन नहीं, भक्ति का माखन खाते हैं। परमात्मा को वहां कोई माखन की कमी नहीं है मेरे भाई बहन, परमात्मा देते हैं भक्ति का माखन। जीव में भक्ति कैसे जगे? ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं है, ऋषि रूपा गोपी, श्रुति रूपा गोपी, वेद रूपा गोपी। इन गोपियों के वहां जाते थे ऋषि मुनि, गोपी बनकर आए हैं। भाव इनका आनंद अटूट है, और परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे घर आए और ये भक्ति का माखन खाएं। भाव नहीं होता उन्हें घर भगवान नहीं जावता, जहां प्रेम नहीं होता उसके घर भगवान भी नहीं जाते थे। गोपियां परमात्मा को आमंत्रित करती थी, निमंत्रण करती थी और बार बार वंदन करती थी। गोपी जैसा भाव आ जाए हमारे मन में, भावरी कमी है, भाव हो आप जहां देखोगे वहां परमात्मा ही पाओगे। भाव कर्मा में था, भाव मीरा में था, भाव फूलाबाई में था, और उस भाव के कारण कर्माबाई ने तो मूर्ति में से परमात्मा को प्रकट कर दिया और खिचड़ा भी खिला दिया। ये भाव का कारण है। उस भाव के कारण मीरा ने भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति के अंदर समा गई। भाव के कारण परमात्मा खुद कर्मा मीरा के वहां पहुंचे और विष को अमृत कर दिया। ये भाव ही तो है। फूलाबाई के तो एक एक राम नाम के उच्चारण के कारण हर चीज में राम नाम का उच्चारण होने लग गया। ये क्या है? भाव है मेरे भाई बहन। भाव को जागृत करें, परमात्मा भूखा है भाव का। कथा यही करती है आपके जीवन में उस भाव को जगाएं। तर्क से यदि सोचोगे तो सामान्य कथा ही लगेगी, गोपियां लगेगी, रास लगेगी, और आपको लगेगा कि सामान्य कथा है, कृष्ण सामान्य है। परंतु तर्क को छोड़ करके भगवान बुद्धि में पकड़ने में नहीं आते। बुद्धि में पकड़ने जाओगे तो बहुत बहुत परमात्मा कोसों दूर चले जाएगा, और यदि भाव से पकड़ना चाहोगे तो परमात्मा आपके नजदीक आ जाएगा। इसलिए बुद्धि वालों से भगवान कभी पकड़ने में नहीं आए। भोले भोले भगत हो गए, कुछ नहीं जानते थे, वो भगवान तक पहुंच गए। मेरे भाई बहन, इस भाव को ही जगाना जरूरी है, और इस भाव से परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करें। एक छोटा सा प्रवचन सुनेंगे घनश्याम जी से।